चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं हम। इन द गिवन फिगर, आपके पास ये फिगर गिवन है, ए सी इक्वल्स टू ए ई, दैट मीन ए सी इक्वल्स टू आपके पास ए ई है एंड ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल्स टू ए डी एंड एंगल बी ए डी, बी ए डी दैट मीन ये एंगल एंड एंगल ई ए सी, ये एंगल आपके इक्वल है। आपने शो करना है बी सी इक्वल टू डी ई, टू शो बी सी इक्वल्स टू डी ई आपने शो करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको ये शो करना है, आप देखिए कि जो बी सी है, इस बी सी के बेस पे, जैसे बी सी यहाँ पे है, आपके पास कौन सी ट्रायंगल बनती है? बी सी को अगर बेस मान लेता हूँ मैं, ए बी सी बनती है आपके पास। अगर मैं डी को बेस मानता हूँ तो आपकी ट्रायंगल बनती है ए डी ई, तो दो ट्रायंगल हो आप, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, दो ट्रायंगल आपने लिए हैं। अब आपको जो जो गिवन है लिखो, आपको गिवन है कि ए सी इक्वल्स टू, आपको क्या गिवन है, ए ई, ए सी इक्वल टू ए ई, दैट इज दिस इज गिवन, देन ए बी इक्वल्स टू आपके पास है ए डी, ये भी आपके पास क्या गिवन है। थर्ड आपको क्या गिवन है, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू आपके पास है एंगल ई ए सी, दैट मीन दिस इज ऑल्सो गिवन आपके पास है। अब लेकिन जो ट्रायंगल मैंने लिया ए बी सी, ए बी सी, अब यहां पे तो आपका ये एंगल है प्लस में आपका ये एंगल भी आ रहा है, यहां पे देखिए जो डी ए सी आपके पास आता है, सेम वे ए डी ई, ए डी ई उसमें ये एंगल और आपका ये एंगल की, देखिए दोनों ट्रायंगल्स में आपके पास ये एंगल कॉमन आता है। अगर सपोज दिस एंगल आपके पास क्या वन है, सपोज दिस एंगल इज वन, तो मैं क्या करता हूं, एड एंगल वन बोथ साइड, एड एंगल वन बोथ साइड, तो होगा क्या, एंगल बी ए डी प्लस एंगल वन इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल वन आपके पास हो जाएगा। अब एंगल बी ए डी प्लस एंगल वन, बी ए डी प्लस एंगल वन आपके बनता है बी ए सी, सो एंगल बी ए सी इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, सेम वे ई ए सी प्लस वन, ई ए सी ये प्लस वन क्या, तो ई ए डी बन जाता है एंगल ई ए डी, बस होगा हमारा क्वेश्चन प्रूफ। ये साइड ये एंगल और ये साइड बाय साइड एंगल, साइड ट्रायंगल ए बी सी कॉन्गेंट टू ट्रायंगल ए डी ई, दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्गेंट हो जाएंगी, देयरफॉर बी डी, आपको ये बोला ना, बी सी इक्वल्स टू डी ई बाय सी पी सी टी, हेंस प्रूव्ड आपका ये क्वेश्चन रहेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ हमने क्या किया कि ये जो कॉमन एंगल है उसको मैंने दोनों में प्लस किया तो मेरे एंगल्स इक्वल आ जाते हैं। और स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था कि आपने देखा था कि आपका जो BC इक्वल टू D है, तो मैंने BC को अज्यूम किया, एक ट्रायंगल का बेस अज्यूम किया BC को, तो ट्रायंगल बनती है ABC, और जो DE है अगर मैं D को बेस अज्यूम करता हूं ट्रायंगल बनती है ADE। तो इस तरह से आपने पहले दो ट्रायंगल्स लेनी है और उनको आपने कॉन्गेट प्रूव कर देना आपने। फिर क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, आपके पास ये ए बी है, ये एक लाइन सेगमेंट है, पी इज इट्स मिड पॉइंट, ये जो पी पॉइंट आपके पास है इस ए बी का मिड पॉइंट, दैट मीन ए पी इक्वल टू क्या बन जाता है आपका, बी पी बन जाता है, एंड डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, मतलब डी और ई दो पॉइंट है जो ए की साइड बने, या तो ऊपर बने या क्या नीचे बने हैं, तो मैंने इनको ऊपर बना रखा जैसा आपको फिगर में गिवन है, तो डी एंड ई आर द सेम पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी आपके पास है, सच दैट बी ए डी, बी ए डी मतलब ये एंगल इक्वल टू आपके पास है ए बी ई, इस एंगल इक्वल है। अगर बोलता हूँ कि ये एंगल आपके पास वन है, ये एंगल आपके पास क्या टू है, तो एंगल वन इक्वल टू क्या बोल दिया ना, एंगल टू बोला मैंने, एंगल ई पी ए, ई पी ए मतलब ये एंगल एंड एंगल डी पी बी और ये एंगल, ये दोनों एंगल जो आपके पास क्या इक्वल है, अगर वन टू लिया इसको मैंने ले लिया एंगल, थ्री इसको ले लिया मैंने फोर बोल दिया, तो शो करना आपने, शो दैट ट्रायंगल ए, टू शो ट्रायंगल डी ए पी कॉन्गेंट टू ट्रायंगल ई बी पी आपने शो करना है, मतलब डी ए पी, डी ए पी ये आपके पास है एंड ई बी पी ये ट्रायंगल आपके पास है। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं, तो इन ट्रायंगल डी ए पी एंड
ट्रायंगल ईबीपी होगा क्या आपको, जो गिवन है वो लिखो आप। डीएपी इस ट्रायंगल में आप देखोगे कि जो एंगल वन है, तो एंगल वन इक्वल्स टू आपके पास किसके इक्वल, एंगल टू के इक्वल है, क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे। फिर एपी इक्वल टू क्या होगा, बीपी होगा, एपी इक्वल्स टू क्या है, बीपी। रीजन पी इज द मिड पॉइंट, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है। फिर उसके बाद आपको गिवन एंगल तीन इक्वल टू एंगल चार आपके पास है, दिस इज ऑल्सो गिवन। अब देखिए कि मेरी जो ट्रेंगल है डी ए पी, उसमें जो ये एंगल बनता है ना, ये कंप्लीट एंगल ऐसे बनता है, बनता नहीं बनता है। और जो आपकी ई पी बी ट्रेंगल है या ई बी पी करूं मैं, तो वहां पे आपका ये एंगल बनता है कुछ ऐसा, समझे मेरी बात। तो यहां पे आप देखिए कि ये जो एंगल आपके पास है, ये छोटा सा एंगल जो बना यहाँ पे, ये एंगल इन दोनों ट्रेंगल्स में क्या आता है, कॉमन आता है। अगर दोनों ट्रेंगल में एंगल कॉमन आता है, मैं मानता हूं कि सपोज दिस एंगल इज फाइव, इस एंगल को मैंने फाइव एज्यूम कर लिया, क्योंकि जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन आपके पास है, क्योंकि मुझे डी ए पी इस पूरे एंगल को इक्वल करना है। अगर पूरे एंगल को लेके आना, तो मुझे वहां पे एंगल थ्री प्लस एंगल फाइव अगर मैं करूंगा, तो एंगल ए पी डी आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो एड एंगल फाइव बोथ साइड्स, एड एंगल फाइव बोथ साइड्स, होगा क्या, एंगल थ्री प्लस एंगल फाइव इक्वल टू आपके पास क्या होगा, एंगल फोर प्लस एंगल फाइव। तो एंगल थ्री प्लस एंगल फाइव, थ्री प्लस फाइव क्या बनता है, ए पी डी, एंगल ए पी डी इक्वल्स टू एंगल फोर प्लस फाइव, फोर प्लस फाइव क्या बनता है, एंगल बी पी ई बनता आपके पास, एंगल बी पी ई। देखिए अब ट्रायंगल आपके पास क्या हो गया, ये एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है, और ये एंगल भी इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल डी ए पी कॉन्गेन टू ट्रायंगल आपके पास क्या आता है, ई बी पी आता है, यहाँ लिखो हेंस प्रूव्ड। द सेकेंड पार्ट इज ए डी इक्वल टू बी ई, ए डी इक्वल टू बी, ये आपके पास जो ए डी है और यह बी है, ये दोनों के किसके पार्ट्स हैं, ये दोनों ट्रायंगल आपके इन दो ट्रायंगल्स के पार्ट हैं। तो देयरफॉर ए बी आएगा आपके पास, ए डी इक्वल टू आपके पास आएगा बी ई बाय सी पी सी टी, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था आपका, जो है क्वेश्चन नंबर सेवन है, सेम क्वेश्चन है सिक्स की तरह, बस हमने कॉमन एंगल को ऐड किया और आपके एंगल्स इक्वल हो जाते हैं यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन नंबर एट डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, मतलब राइट एंगल एट सी का मतलब है कि ये एंगल आपके पास क्या 90 डिग्री है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, ये ए बी आपका हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 के सामने आपका एच होता है, तो ये एम जो है इसका मिड पॉइंट है, दैट मीन बी एम इक्वल्स टू आपको ए एम पता लग गया, क्योंकि एम आपके पास क्या है, मिड पॉइंट है। सी ई जॉइन टू एम, सी को एम से ज्वाइन किया गया है एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, और इस सी एम को आगे डी तक क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया है, सच दैट डी एम इक्वल टू क्या हो जाता है, सी एम हो जाता है, कि मतलब ये और ये इक्वल है और एम मिड पॉइंट है, तो ये और ये साइड भी आपके पास क्या है, इक्वल आपको यहां से पता लग गए। पॉइंट डी इज जॉइन टू बी, और डी को ज्वाइन किया गया है बी के साथ। तो फर्स्ट आपने प्रूव करना है टू शो, फर्स्ट पार्ट आपके पास है टू शो, आपने शो करना है ट्रायंगल ए एम सी कॉन्गेंट टू ट्रायंगल आपके पास क्या है, बी एम डी आपने शो करना है। तो देखिए बच्चे, पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे, दो ट्रायंगल आपको दी हुई है, तो इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, दोनों ट्रायंगल में आपको देखो बहुत आसान है, ए एम सी यहाँ पे है और आपका जो है बी एम डी यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको जो जो गिवन है, मुझे क्या गिवन है, ए एम इक्वल स्टॉप लिखो बी एम, रीजन एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी आपके पास है। फिर आपको क्या गिवन है, सी एम इक्वल्स टू आपके पास क्या है, डी एम है, ये भी आपको गिवन है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि सी को एम से ज्वाइन किया है, सच दैट सी एम इक्वल टू क्या हो जाता है, डी एम हो जाता है। फिर आप देखिए यहाँ पे, सपोज दिस इज एंगल वन, दिस इज एंगल टू, सो एंगल वन इक्वल टू आपके पास क्या है, एंगल टू, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल, सो बाय
साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल एएमसी कॉन्गेंट टू ट्रायंगल आपके पास क्या आता है बीएमडी और ये आपका फर्स्ट पार्ट क्या हो जाता है हेंस प्रूव्ड आप यहां पे कर देते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमने बताना है कि एंगल डीबीसी आपके पास क्या होगा एक राइट एंगल होगा दैट मीन आपने इसको 90 प्रूव करना है। तो अभी मैंने इन दो ट्रायंगल्स को क्या प्रूव किया इन दोनों को मैंने कॉन्गेंट प्रूव किया। अगर ये दोनों कॉन्गेंट हैं तो सपोज मानता हूं कि यहां पे कोई एंगल आपके पास है ये एंगल और आपका ये एंगल ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे। सपोज ये एंगल आपके पास क्या है 3 है यहां पे एंड दिस इज एंगल 4 तो आपने जब प्रूव किया है तो आप लिखोगे यहां पे आपका सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए एंगल 3 इक्वल्स टू क्या आता है एंगल 4 आता है आपके पास। रीजन क्या होता है सीपी सीटी आपके पास आएगा क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल आ गए क्योंकि आपकी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्गेंट थी तो एंगल 3 इक्वल टू 4 आता है। अगर एंगल 3 इक्वल टू 4 है तो देखिए यहां से ये लाइन आपके पास है ठीक है जी फिर यहां से फर्दर आपकी दो लाइन गई है तो आप ए बी और आप बी डी और सी ए के बारे में क्या कह सकते हैं। अगर एंगल 3 इक्वल टू 4 है तो मैं बोल सकता हूं कि बोथ एंगल आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके पास है। अगर दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है देन क्या होगा बी डी पैरेलल टू किसकी हो जाएगी ए सी की हो जाएगी बी डी पैरेलल टू ए सी हो जाएगी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल ए बी आपकी क्या हो जाएगी यहां पे ट्रांसवर्सल हो जाती है क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं ये एंगल तभी इक्वल होते हैं जब आपकी ये दोनों साइड्स क्या होती हैं पैरेलल होती हैं। तो वही कंसेप्ट यहां पे आ गया सो एंगल 3 इक्वल टू 4 बन जाता है। यहां से क्या कंक्लूजन आया बी डी पैरेलल टू क्या आ जाता है आपके पास ए सी आता है। अब बी डी पैरेलल टू ए सी आपके पास आ गया ना फर्द देखिए आप डायग्राम पे आते हैं वापिस में अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो होगा क्या और ये बन जाती है बीसी बन जाती है आपकी ट्रांसवर्सल। अगर बीसी आपकी ट्रांसवर्सल बन जाती है एसी पैरेलल टू बीडी है मुझे एक बात पता है आप यहां देख लीजिए कि जैसे ये दो पैरेलल लाइन है और ये बनती है ट्रांसवर्सल तो ये जो एंगल होते हैं आपके ये दोनों एंगल आपके क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। दैट मीन अगर सपोज एंगल ए है आपके पास और ये एंगल आपके पास क्या बी है तो एंगल ए प्लस एंगल बी आपके पास कितना होता है 180 डिग्री होता है। दोनों एंगल्स आपके क्या होते हैं द एंगल मेड ऑन द सेम साइड एंड इन द इंटीरियर आर सप्लीमेंट्री आपके पास है तो ए प्लस बी आपके पास कितना आता है 180 आता है। तो आई विल यूज द सेम कंसेप्ट यहाँ पे सेम कंसेप्ट क्या होगा यहाँ पे कि ये जो डायग्राम आपके पास है ये ए सी पैरेलल टू बी डी आपके पास आ गई है ना तो आई विल यूज ए सी बी प्लस डी बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री यहां पर यूज करता हूं मैं। आई विल राइट हेयर एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल्स आप लिखोगे 180 डिग्री बोथ एंगल आर सप्लीमेंट्री आप लिख देना यहां पर बोथ एंगल आर सप्लीमेंट्री। अब ए सी बी तो मुझे पहले पता है कि 90 डिग्री है 90 डिग्री प्लस एंगल डी बी सी इक्वल्स टू आपके पास क्या आता है 180 आता है सो एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री तो फ्रॉम हेयर एंगल डी बी सी इक्वल्स टू आपके पास क्या आता है 90 डिग्री। और सेकेंड पार्ट में आपने क्या प्रूव करना आपने यही प्रूव करना था कि डी बी सी इज ए राइट एंगल सो हेंस प्रूव्ड आपके पास ये सेकेंड पार्ट भी आपका ओवर हो चुका है। चलो चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट आपने शो करना है ट्रायंगल टू शो ट्रायंगल डी बी सी कॉन्गेंट टू ट्रायंगल ए सी बी आपने शो करना है। डायग्राम मैंने दोबारा से बना लिया है। अभी तक हमने जो कुछ भी किया क्वेश्चन में अभी तक हमने क्या किया कि रिकैप लेना चाहूंगा मैं अभी तक हमने क्या किया था ट्रायंगल ए एम सी एम यहाँ पे ए एम सी कॉन्गेंट टू ट्रायंगल आपने बी एम डी किया था जो कि आपने किया था पार्ट वन में किया था। उसके बाद आपने क्या किया था यहाँ पे जब मैंने बात की थी यहाँ पे दो ट्रायंगल्स की अब डीबीसी आपके पास होगा पार्ट वन में आपने ये किया था। जब आपने ये किया पार्ट वन में तो यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट आया यहाँ से रिजल्ट ये आया कि जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्गेट बन गई तो बाय सीपीसीटी यहाँ से क्या बना डीबी इक्वल्स टू बना आपका एसी
रीजन क्या लिखा मैंने, बाय सीपी सीटी। या आपने फर्स्ट पार्ट से कंक्लूजन निकाल दिया कि डीबी इक्वल्स टू आपका एसी होगा। दूसरा, अब ट्रायंगल आपने डीबीसी की बात की है, डीबीसी मतलब इस पूरी ट्रायंगल में आपका ये एंगल और ट्रायंगल एसीबी में ये एंगल, ये दोनों एंगल आपके कितने हैं? आपने सेकंड पार्ट में अभी डीबीसी को 90 प्रूव किया, आपने प्रूव किया एंगल डीबीसी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आपने प्रूव किया, प्रूव्ड। अब ये आप कर चुके हो डीबीसी इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब जब इसको मैं प्रूव करूंगा तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आप जो प्रूव कर चुके हो उनका आप यूज करोगे। तो इन ट्रायंगल डीबीसी अप्रूव कर रहा हूं यहाँ पे मैं, इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी डीबीसी। तो पहले क्या लिखा मैंने, डीबी इक्वल्स टू एसी, रीजन आया सीपीसीटी, या लिख दो प्रूव्ड अबव भी लिख दो आप, ठीक है, कि आपने ऊपर प्रूव किया है क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्गेंट है तो सीपीसीटी से आपका ये आ जाता है डीबी इक्वल टू एसी। फिर आप क्या लिखा एंगल, एंगल डीबीसी इक्वल्स टू एंगल एसीबी, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है तो डीबीसी इक्वल्स टू एसीबी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी लिखो प्रूव्ड अबव, या लिख दो बाय सीपीसीटी लिख दो आप यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्गेंट ट्रायंगल। तो ये भी आपके पास आ गया। अब बची तीसरी चीज, यहाँ पे आप देखेंगे कि जब मैं डीबीसी और एसीबी की बात करता हूं तो ये जो बीसी है इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन आती है, दैट मीन आई कैन राइट बीसी इक्वल्स टू सीबी। रीजन क्या है, कॉमन आपके पास आया तो बस क्वेश्चन हो गया हमारा। सो बाय ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो बाय एस ए एस ट्रायंगल आपके पास क्या है, डी बी सी कॉन्गेंट टू ट्रायंगल आपके पास बन जाती है ए सी बी, ठीक है जी। और यही मैंने क्या करना था, हेंस प्रूव्ड आपके पास पार्ट हो चुका है। चलिए अब लास्ट पार्ट हमारे पास है, सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी आपने प्रूव करना है। अभी जो ही मैंने दोनों ट्रायंगल को कॉन्गेंट प्रूव किया है तो यहां से मेरे पास एक रिजल्ट आता है, रिजल्ट क्या आता है कि ये पार्ट, ये ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाता है, सी डी आ जाता है। यहां से क्या आता है, ए बी इक्वल्स टू आता है सी डी, रीजन बाय सीपी सीटी आपके पास आता है क्योंकि ए बी आपके पास ट्रायंगल ए सी बी का पार्ट है और सी डी आपका ट्रायंगल डी बी सी का पार्ट है, तो ए बी इक्वल टू सी डी आ जाता है बाय सीपी सीटी। दूसरा मुझे ये पता है, ए बी इक्वल टू सी डी आपके पास अगर आ चुका है, दूसरा मुझे पता है कि जो ये सी एम है, सी एम मतलब यहां पर जो ये सी एम है ये इस सी डी का हाफ भी तो है, सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी, रीजन ये मुझे गिवन है कि जो सी एम है हाफ ऑफ क्या है, सी डी है, तो क्यों ना मैं इस सी डी की प्लेस पे क्या रख दूं, ए बी रख दूं, क्योंकि ए बी इक्वल टू सी डी है और मुझे प्रूव करना है सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा इस सी डी के प्लेस पे ए बी रख दूंगा यहाँ पे मैं, तो सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, और यही मैंने क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक पार्ट में हर एक दूसरे पार्ट का यूज होता है, अगर आपको डायरेक्टली फोर्थ पार्ट पूछा जाएगा तो आपको पहले तीन पार्ट प्रूव करने होंगे, सिंगल वाइज फर्स्ट पार्ट पूछ सकता है, सेकंड पूछ सकता है, थर्ड पूछ सकता है एग्जामिनर, बट मैं आपको कहूंगी फर्स्ट पार्ट से आप स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट यूज किए गए मैथमेटिक्स के, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ एक्सरसाइज 7.2। थैंक यू।